बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर हम लोगों ने प्रैक्टिकल आपका शुरू किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि अगर आपको भारतीय पैमाना दिया जाए तो उसको आप कसरी पैमाने में कैसे बदल सकते हो। आज हम ये करेंगे कि कसरी पैमाना दिया गया हो तो भारतीय पैमाने में कैसे बदल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रिव्यू समझे के करवा देती हूँ या रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे स्टेटमेंट ऑफ स्केल दी हुई थी 5 इंच बराबर है 1 मील, और कहा जाए कि इसको आरएफ में बदलें, तो हमने क्या करना है कि आरएफ की डेफिनेशन होती है कि इसमें न्यूमिनेटर 1 होता है और इसमें कोई यूनिट्स नहीं होते, तो हम इस न्यूमिनेटर इधर इस चीज़ को 1 में बनाएंगे और यहाँ से यूनिट भी बदल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आरएफ बन जाएगी। अब इसका 5 हमें ख़त्म करने के लिए 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम मुसावात के एक तरफ अमल करते हैं जो, तो हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। हम इस 5 को भी 5 से जो है वो करेंगे और 1 को भी जो है वो 5 से जो है वो हम करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 inch = 1/5 miles। अब हमने यूनिट एक जैसे करने हैं तो ये इंच हैं, तो हम इस माइल्स के भी इंच बना देंगे, तो एक मील में 63,360 इंच होते हैं, तो हम इस 1/5 मील को मल्टीप्लाई करेंगे 63,360 से, तो ये आपका निकल आएगा 12,272 इंच। तो दोनों तरफ इंच आ गए, इंच इंच से कैंसिल हो जाएगा, तो आरएफ आपकी आ जाएगी ये 1 ऐसे का ऐसा बराबर का निशान रेशो में बदल जाएगा और 12,272 इधर आ जाएगा। तो ये 5 इंच बराबर है 1 मील स्टेटमेंट ऑफ स्केल की जो आरएफ बनी है वो है 1:1272। इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो करवाई थी, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपने खुद भी सॉल्व करके देखे होंगे। अब नेक्स्ट जो है इसमें ये है कि अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ आपको कसरी पैमाना यानी आरएफ दी गई हो तो उसको आप स्टेटमेंट ऑफ स्केल में कैसे बदल, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन है कि किलोमीटरों का आबारती पैमाना मालूम करें जबकि कसरी पैमाना जो है 1:3 million है, तो आप इधर लिखोगे आरएफ 1:3 million, 60 है, ठीक है। और आपने किलोमीटरों का भारतीय पैमाना बनाना है, यानी टेबल 2 का ये क्वेश्चन है। मैंने आपको टेबल 1 और टेबल 2 के नाम से 2 टेबल जो है वो नोट करवाए थे, ठीक है। तो जहां पर किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर्स होंगे उसको हम टेबल 2 का क्वेश्चन कहेंगे, जहाँ पर माइल, फरलोंग, यार्ड, फीट होंगे उसको हम टेबल 1 का क्वेश्चन जो है वो कहेंगे। अब जो है इसकी स्टेटमेंट ऑफ स्केल जब टेबल 2 का क्वेश्चन हो तो इसकी स्टेटमेंट ऑफ स्केल बनाते वक्त आपने क्या करना है कि ये जो यहाँ पर न्यूमिनेटर होगा इसके ऊपर आपने कर देना है इंच, ये रेशो का निशान बदल जाएगा बराबर के निशान में, और ये जो 3 million है इसके ऊपर भी आपने लगा देना है इंच, ठीक है। सॉरी ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, ये टेबल 2 का क्वेश्चन है तो इसमें आप सेंटीमीटर्स में बनाएंगे, इंच में नहीं बनाएंगे। इधर आप लिखोगे 1 centimeter = 3 million centimeters, ठीक है। दोनों तरफ आप सेंटीमीटर, यानी जो भी ये आपकी आरएफ है इसमें इसको भी आप सेंटीमीटर कर दोगे और इस चीज को भी सेंटीमीटर कर दोगे और ये रेशो का निशान बराबर के निशान में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है वो आपने ये देखना है कि हमने क्वेश्चन में किस चीज की डिमांड है। अब इसमें है किलोमीटरों का भारतीय पैमाना बनाएं, तो ये जो सेंटीमीटर्स हैं इनके हम किलोमीटर्स जो हैं वो बना देंगे। अब आपको पता है, मैंने आपको नोट करवाया था कि एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1,00,000 centimeters जो हैं वो होते हैं, तो हम इन 3 millions को डिवाइड कर देंगे 1,00,000 से, ठीक है।
तो ये 50 ये ऊपर वाले 50 से कट गए तो ये आपका आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो ये आपकी बन गई स्टेटमेंट ऑफ स्केल। ठीक है, हमने क्या किया कि अगर टेबल 2 का क्वेश्चन हो, यानी किलोमीटर्स मीटर्स कुछ भी मांगे हो, डिमांड हो क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपने इधर जो फर्स्ट स्टेप में आपने इधर तो पहले आरएफ लिखी, ये कसरी पैमाना लिखा जिस तरह से दिया हुआ। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है स्टेटमेंट ऑफ स्केल यानी आबारती पैमाना। ठीक है, अब उसको हमने कैसे करना है कि टेबल 2 के क्वेश्चन में हमने इस चीज के साथ भी सेंटीमीटर्स लिख लेने हैं और इस चीज के साथ भी हमने सेंटीमीटर्स जो है वो लिख लेने हैं, और ये रेशो का निशान बराबर के निशान में बदल जाएगा। फिर हमने देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में जो है वो किलोमीटर्स की डिमांड है, तो हम इन सेंटीमीटर्स के किलोमीटर्स बना देंगे। और वो बनाने का क्या तरीका है, मैंने आपको जो टेबल लिखवाया हुआ है उसमें आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम ये 3 मिलियन को डिवाइड कर देंगे 100,000 से, तो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 30 किलोमीटर। तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ स्केल जो है वो बन गई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, इसमें है कि मीलों का भारतीय पैमाना बनाएं जबकि कसरी पैमाना ये हो। सबसे पहले आप इधर कसरी पैमाना लिख लें, आर एफ आपकी है 1:11404 अब आपने इधर नेक्स्ट स्टेप करना है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल आपने लिख लिया, अब ये है टेबल 1 का क्वेश्चन। ठीक है, टेबल 1 के क्वेश्चन के लिए आपने ये 1 के साथ इंच लगाना है, रेशो का निशान बराबर के निशान में बदल जाएगा, और ये चीज जो है इसके साथ भी आपके इंच जो है वो लग जाएंगे। अब आपने देखना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मील है, तो हम इन इंचों के मील बना देंगे। तो हमारा हमें पता है कि एक जो मील है उसमें 63,360 इंच होते हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 63,360 से, तो ये इसके मील बन जाएंगे। अब जैसे इधर हम लिखेंगे 1 इंच, और इसको अगर आप डिवाइड करो 1,40,480 / 63,360 तो ये आपका निकलता है 2.2। ठीक है, एक दफा मैं इसको फिर करती हूँ, ये है 1,40,480 / 63,360 तो ये आपका निकलता है 18। तो ये हो जाएगा 18 miles। तो ये आपकी क्या बन गई स्टेटमेंट ऑफ स्केल, यानी ये आपकी आरएफ दी हुई थी। हमने ये टेबल 1, ये टेबल 2 का क्वेश्चन है और ये टेबल 1 का। अब इसका कैसे पता चलेगा कि मैंने आपको बताया है, मैंने आपको जो टेबल्स नोट करवाए थे उस पर भी मैंने टेबल 1 और टेबल 2 आपको साथ मेंशन किया था। टेबल 1 के क्वेश्चन, जो टेबल 1 मैंने आपको दिया था उसमें जो यूनिट सारे आते हैं उसमें मील, फरलोंग, यार्ड, फीट और इंचेस थे, और टेबल 2 के क्वेश्चन में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर्स थे। तो टेबल 2 के जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें आरएफ में जब हमने स्टेटमेंट ऑफ स्केल बनानी है तो सेंटीमीटर्स में बनानी है, दोनों तरफ सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, और टेबल 1 के क्वेश्चन में हम इंच लगाएंगे दोनों तरफ, और फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन की डिमांड थी कि किलोमीटर बनाएं, तो हमने इन सेंटीमीटर्स को डिवाइड कर दिया किलोमीटर्स के साथ, तो हमारे ये किलोमीटर्स निकल आए। इसमें जो है वो माइल्स बनाने थे, तो इसको हमने 63,360 से डिवाइड किया, तो हमारे माइल्स जो है वो बन गए। इसके बाद नेक्स्ट है कि गजों का भारतीय पैमाना बनाए अगर कसरी पैमाना ये हो, तो ये भी टेबल 1 का क्वेश्चन है।
तो आप इधर लिखोगे RF1:2120। इसके बाद आप लिखेंगी इधर स्टेटमेंट ऑफ स्केल। तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल इसमें आप किस में बनेगी, इंच में। 1 inch = 2120 inches। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की डिमांड है कि गज बनाने हैं, तो हमने देखना है कि एक जो गज होता है उसमें कितने इंच होते हैं। तो एक यार्ड जो होता है या गज जो होता है उसमें 36 inch होते हैं। हम इसको डिवाइड कर देंगे 36 से। ये जैसे 2 1 2 0 डिवाइडेड बाय 36 इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 1 2 0 को डिवाइड करें 36 से, तो ये हमारा आंसर जो है वो आता है 32.5। 1 inch = 32.5 yards। ठीक है, एक जो गज होता है उसमें 36 inch होते हैं, इसलिए हमने इसको 36 से जो है वो डिवाइड किया। ये मैं दोबारा से कर रही हूँ, 2 1 1 2 0 को 36 से डिवाइड। तो ये मुझे लग रहा था इसका थोड़ा सा रॉन्ग आंसर निकला है, तो वो वाकई ये नहीं निकलता। मैंने दोबारा चेक किया है कैलकुलेटर से, तो वो आता है 586.6। इसको आप तकरीबन लिख सकते हो 587। तो ये आपका निकल आएगा 1 inch = 587 yards। ये आपका निकला है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है कि फुटों का पैमाना बनाएं अगर कसरी पैमाना ये हो तो। तो ये भी टेबल वन का क्वेश्चन है। इधर सबसे पहले आप लिखेंगे RF1:2640। तो जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल आपकी आएगी वो भी आप फिर दोबारा इंच में आएगी, क्योंकि ये टेबल वन का क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 1 inch = 2640। तो अब हमने इसके क्या बनाने हैं, फुट। तो एक जो फुट होता है उसमें 12 इंच होते हैं, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो फुट बन जाएंगे। तो आप करें 2640 डिवाइडेड बाय 12, तो ये निकलता है 2200 feet। तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ स्केल निकल आई 1 inch = 2200 feet। 2640 डिवाइडेड बाय 12, तो ये सेकंड ईयर। आज मैंने ये आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन जो हैं वो करके दिए हैं। आप भी अपनी नोटबुक निकालें, प्रैक्टिकल नोटबुक, और आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे मैंने आपको बताया है। अगर नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, तो कल अगले लेक्चर से पहले मैं आपको पीछे से ये दोबारा से रिवाइज जो है वो थोड़ा सा करवा दूँगी। इसको बड़े अच्छे तरीके से इन सारी एग्जांपल्स को देखें। सिंपल सी बात है, आपने जो दो चीज़ें जहन में रखनी है वो ये है कि अगर टेबल वन का क्वेश्चन होगा तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल जो बनेगी वो इंचेस में बन जाएगी, और जो आपका टेबल टू का क्वेश्चन होगा तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल सेंटीमीटर्स में बनेगी। और फिर देख लेना है आपने कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। टेबल वन की सूरत में उन इंचों के आपने माइल्स बनाने हैं, फर्लोंग्स बनाने हैं, यार्ड्स बनाने हैं, उस हिसाब से आपने उसको उस
रेशो से डिवाइड कर देना है तो वो आपके वो बन जाएंगे। और किलोमीटर और मीटर्स में आपने फिर ये देख लेना है कि आपने अगर उन सेंटीमीटर्स के किलोमीटर्स बनाने हैं तो जो टेबल में मैंने आपने आपको किलोमीटर का दिया आप उससे डिवाइड करेंगे, मीटर बनाने हैं तो मीटर वाले से डिवाइड करेंगे, तो वो आपकी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ स्केल जो है वो बन जाएगी। तो अब आपको मैंने दोनों चीज़ें सिखा दी हैं कि RF दी हो तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल कैसे बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ स्केल दी गई हो तो RF कैसे बनाते हैं। तो इसके साथ ही जो है वो आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म मैं करती हूँ। इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें।